चलिए ठीक है, अभी जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं वो है हमारी किसकी, गैस और ये कोल रिकॉर्डिंग की है ना, ठीक है, रिकॉर्ड है ये हमारा जो ये क्या है, गैस बैंक है हमारा, ठीक है ना। सबसे पहले तो यहाँ अब हमारे क्या लगे पड़े, सिलेंडर लगे पड़े, ठीक है। अभी जैसे आप लोग अगर इसको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, मेंटेन करने का मतलब है ताला लगा पड़ा है, ठीक है, ऊपर छत लगी पड़ी है ताकि बारिश ना गिरे, ये ना गिरे, चोरी ना हो, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्या पॉइंट आता है ना, इसको हमको ट्रैक करना पड़ता है। ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, जैसे मान लो आप बैंक में पैसे जमा कर रहे हो, ठीक है, बाद में पासबुक में एंट्री होती है ना कि भाई कितने पैसे हुए नहीं हुए, वो रीज़न क्या होता है उसका, एटलीस्ट आपको पता तो चले कि एक महीने बाद मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं या आपने कितने एटीएम से निकाल लिए। अगर आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे ना तो आप उसको कभी भी मतलब कि ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, मतलब अगर आपके पास पैसे कम हैं, ठीक है, या ज़्यादा है, जो भी है, बट अगर आप उसको ट्रैक नहीं करोगे, आप पूरा हिसाब किताब नहीं रखोगे ना, तो कभी भी आप उसको और ऊपर नहीं ले जाके जा सकते। सेम यहाँ पे भी यही है, अगर आप इसको ट्रैक नहीं करोगे तो हमेशा यहाँ पे ये वेस्टेज ही जाएगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे ये अच्छा है कि आप लोगों की जो भी आपकी गैस बचती है उसके बदले नया सिलेंडर आपको मिल जाता है, ठीक है ना। बट फिर भी क्या होता है ना, जैसे हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं, अब मैं बोलता हूँ कि भाई मेरी पर डे की सेल 1 लाख रुपए है, ठीक है, एक महीने की सेल मेरी 30 लाख रुपए, तो 30 लाख रुपए में मेरे को कितना मेरा गैस लग रहा है, तो गैस का जो कंजम्पशन होगा वो कैसे पता चलेगा, वो इससे फिर पता चलेगा, ठीक है ना। बाद में जैसे हम लोग उधर बोर्ड वाले उसमें बैठेंगे ना, तो वहाँ फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा कैसे वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे जैसे मेरे डे हैं, डे वन, डे टू, ये पूरा का पूरा है ना, तो एक महीने में 31 दिन से ज़्यादा नहीं होते, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, डेट, मंथ और ईयर, ठीक है। तो आप कौन आएगा इधर साथ में, आ जाओ, आप आ जाओ भाई, इसको पकड़ाओ, ये उत्साहित है बहुत, आ जाओ सब, आगे भी आ जाओ सर। 18 तारीख, 18 तारीख है, ठीक है जी, ये 18 तारीख है ना, तो 18, ठीक है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, 18 और कितना है, 9/9/2024, ठीक है। अब सबसे पहले क्या, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या, जो मेरा कल से बचा पड़ा है यहाँ पे, हाँ लगा, हाँ लगा पड़ा है, कितने बताओ, एक एक तो तीन लगा, हाँ तीन लगा पड़ा, ठीक है, तो यही मेरा ओपनिंग बैलेंस है। कौन सा आधा, आधा, हाँ तो लगा तो पड़ा है ना, उससे कोई मतलब नहीं है ना, आधा तो आप उसके और अंदर कैसे घुस जाओगे, आप खुद सोचो ना, इतना तो कॉमन सेंस है, हाँ नहीं नहीं ये इतना ही है, ठीक है ना। तो ये आपके पास इधर तीन लगा पड़ा है, ठीक है, तो ओपनिंग में कितना है आपके पास, तीन है, यहाँ पे तीन हो गया जो आपका लगा पड़ा है, ध्यान रख ले, ठीक है ना। फिर है सिलेंडर रिसीव्ड, जो बाहर से हमने रिसीव करा, ठीक है, मैं इधर देख रहा हूँ ना इस तरफ, ठीक है, मैं इधर आ जाओ सर, है ना, ठीक है जी, 1, 2, 3, 4, ठीक है जी, 4 सिलेंडर हमारे पास के आगे नए आ गए, ठीक है जी, आ जाओ नए आ गए। तो अभी जो सिलेंडर रिसीव कितने हो गए मेरे पास यहाँ पे, चार, ठीक है जी, चार हो गए। अब इंस्टॉल कितने हैं, लगे पड़े कितने इसमें, तीन, ठीक है, तो यही वाला फिगर इधर आता है, ठीक है ना, ये आ गया तीन। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, शाम को कितना बचेगा मेरे पास, जो यहाँ पे लगा होगा, नहीं वो तो ऐसे ही है, वो सिर्फ पहले टाइम के लिए है। अब आपके पास कितना बचा होगा क्लोजिंग बैलेंस में, चार, तो रिसीवेबल है, हाँ ठीक है ना, वो आपके पास बढ़ेगा चार आपका, ये यहाँ पे अगर इधर से खाली होगा, इधर एक लगाएगा बीच में, हाँ हाँ हाँ, वो तीन में आ जाएगा, मतलब जितना आपका लगता रहेगा वो इधर आता रहेगा, वो क्लोजिंग से एक तो कम हो जाएगा, हाँ अब हाँ वो, अब फिर यहाँ पे हमारा तीन आ जाएगा, फिर अभी ये कितना हो गया मेरा, चार। तो कल सुबह मेरे मॉर्निंग में ये मेरे पास यहाँ पे चार होने चाहिए 19 तारीख को, हमारे पास अभी तीन वहाँ लगा पड़ा है, राइट, हाँ मेरे पास चार फुल सिलेंडर है, हाँ हाँ, तो आज दिन भर का जो कंजप्शन होगा क्लोजिंग में आ जाएगा, राइट, ओपनिंग में आ जाएगा, नहीं वो आपका, ये देखो ना इसमें आप पढ़ो क्या लिखा पड़ा है यहाँ पे ना, यूज बैलेंस तीन है, हाँ हाँ, रिसीव चार है, हाँ और इंस्टॉल तीन है, ठीक है। अब जो आपके पास लगा पड़ा है मतलब वो भी आपको यहीं पे रखने हैं, और जो क्लोज वाले हैं वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे, अच्छा फिर नेक्स्ट डे आ जाएगा, हाँ राइट, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रोसेस हमारा रहने वाला है, एक दो बार करोगे ना इसको, फिर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। फिर आखिरी के मंथ में क्या होगा, मैंने एक महीने में मैंने इतने सारे जो सिलेंडर मैंने यूज़ कर लिए हैं, ठीक है, और उससे क्या होगा ना, फिर वो आपकी सेल से डिवाइड होता है, तो फिर आपको पता चलेगा कितना परसेंटेज आप लोग यूज़ कर रहे हो यहाँ पे अपने खाने में, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी जो गैस की कॉस्ट या फ्यूल की कॉस्ट हमारी कितनी है। मेरा और एक क्वेश्चन है, मेरा यहाँ पे है, वहाँ पे भी है, हाँ, तो दो कागज लगा दो अलग अलग,
दोनों का अलग मेंटेन होगा, वहां पे अलग एक रखना पड़ेगा, है ना। अब ये किसी को रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ये किसके कौन करेगा इसको, आपका नाम लिख दूं यहां पे? रिस्पांसिबिलिटी ये कर देंगे उसको, होल्ड कर दीजिए, हम उसके बाद रिस्पांसिबिलिटी देते जाएंगे। अभी ये है, ये किसी ना किसी का काम है ना, ठीक है। तो ये हमारा था आज का गैस ट्रैकिंग रिकॉर्ड का, ठीक है, चलिए।